गाइस वीडियो मैंने देखी है, इस बंदे की वीडियो बड़ी ही कमाल की और बड़ी जबरदस्त और फनी होती है, इंटरेस्टिंग इतनी होती है कि सुन के ना बंदे का दिल खुश हो जाता है, नो डाउट। मुझे सबसे चीज ये इंडिया की टीम की अच्छी लगती है, बुमराह ने कहते हैं इतनी अच्छी बैटिंग की है एक बेस्ट बॉलर होने के नाते कि बैटिंग इतनी फंटेस्टिक की है कि एक रिकॉर्ड कायम कर लिया उसने, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया अपनी टीम में, इंडिया का नाम रोशन करके फिर से इंडिया की। देखो बॉस, इंडियन क्रिकेट टीम हमारा कितना ख्याल रखती है ये देखा आपने? एक सेकंड में समझा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि शाम को 5:30 बजे मैच शुरू हुआ था, अगर पूरे ओवर खेले जाते तो मैच रात को 1 बजे तक चलता, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को आपकी नींद की चिंता है इसलिए उनने 10 बजने से पहले आपको सुला डाला और इंग्लैंडियों की इज्जत का जुलूस निकाल डाला। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र। इससे पहले कि हम कल के मैच पर आए, आप जरा प्लीज हमारे आरजे रौनक चैनल पर जाएं। शिवा कॉलिंग एक स्पेशल फिल्म आपके लिए बनाई है, प्लीज उसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों से परिवार वालों से सबसे शेयर भी जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। ठीक है, अब मैच पे आते हैं। और भाई आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाज नहीं खजाना है और इस खजाने को हमें संभाल कर रखना है, उसको हमेशा खुश रखना है। और इसीलिए अगर बुमराह एक दिन के लिए प्रधानमंत्री भी बनना चाहे तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आगे बताना चाहता हूँ। अगर उनको मन्नत में रहने का बोले तो बुमराह को मन्नत में रहने का मन करे तो शाहरुख खान को घर खाली करना पड़ेगा। मतलब बुमराह जो चाहे वो उन्हें दे दो, क्योंकि बदले में हमें वो भी वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए, बोले तो सामने वाली टीम के सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स। फॉर्मेट कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, सामने टीम कोई भी हो, बुमराह चोक स्लैम देने की कुव्वत रखते हैं। धमाल पिक्चर में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा और असरानी जो ढूंढ रहे थे ना, मतलब बड़ा वाला डब्लू जिसके नीचे 10 करोड़ गड़े हुए थे। हाँ, कल ऐसे बड़े बड़े 6 डब्लू जसप्रीत बुमराह के पास थे। मतलब भैया हमने अपनी कल की माई 11 सर्कल ऐप टीम में 2 ही गेंदबाज चुने थे जिनमें से एक बूम बूम बुमराह थे। अब देखो आपका भाई कभी आपको खराब टीम बनाकर तो देगा नहीं, इसलिए मैं जब भी टीम बनाऊं और आपसे बोलूं कि माई 11 सर्कल ऐप पर सेम टीम बना डालो तो भैया बना डालो, लेकिन उससे पहले अपने फोन में इसको इंस्टॉल तो करो। कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया माई 11 सर्कल ऐप का, उस पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करो। कई सारे कॉन्टेस्ट है, पार्टिसिपेट करो। लक्ष्मण सर की टीम को हराओगे तो 5 गुना कैश पाओगे और डिलाइट कॉन्टेस्ट में टॉप करके महिंद्रा थार आपके घर के बाहर आ सकती है, क्या समझे? बाकी आपके साथ मैं भी सवारी करूंगा अगर आपने मेरे को इनवाइट किया जीतने के बाद तो। बाकी ज्वाइनिंग बोनस भी है, कैशबैक भी है, पहले एक बार डाउनलोड तो करो माई 11 सर्कल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और दूसरे मैच की टीम मैं आपको यहीं पर बनाकर बताऊंगा कल, लेकिन उससे पहले कल जो बवाल हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। कल मैच शुरू होने से पहले सबसे बड़ी खबर यही थी कि विराट कोहली टीम में शामिल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ खबर तो आई थी कि उनको निगल है, लेकिन बनराकस टाइप के लोग बोल रहे थे कि देख रहा है बिनु कैसे ड्रॉप को निगल बता रहे हैं। भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आधे घंटे के अंदर अंदर लोग विराट कोहली को भूल चुके थे। क्योंकि क्या है ना बॉस, इंडिया में हमको हीरो चाहिए होते हैं, हीरो विराट कोहली नहीं तो जसप्रीत बुमराह ही सही। और जसप्रीत बुमराह के मुंह में खून लगा जेसन रॉय के विकेट से और इसके पीछे पीछे उन्होंने बाकी लोगों को भी ठिकाने लगाने चालू कर दिया। उस वक्त इंग्लैंड के फैंस और मीडिया विराट कोहली को ट्रोल कर रही थी, लेकिन बुमराह और शमी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि जेसन रॉय, जो रूट्स, बेन स्टोक्स, लिविंगस्टन कुल मिलाकर उतने ही रन बना पाए जितने कल विराट कोहली ने बनाए थे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कल विराट कोहली ने कहां रन बनाए? हाँ तो इन लोगों ने भी कहां बनाए, घंटा बनाए, बोले तो जीरो। इंग्लैंड की आधी टीम 26 पर आउट हो चुकी थी और हमें लग रहा था कि हमारे 36 पर ऑल आउट हो जाने का दाग आज इंग्लैंड वाले धो देंगे, लेकिन जॉस बटलर, मोइन अली और डेविड विली ने डबल डिजिट में पहुंचकर हमारे प्लान की जान निकाल दी। लेकिन सुकून भरी बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह की आज तक की बेस्ट वनडे गेंदबाजी हमको देखने को मिली। इंग्लैंड का सबसे बड़ा फैन बेस बामी आर्मी के नाम से जाना जाता है। 18 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ट्वीट किया था, Who is this बुमराह chap? यानी ये बुमराह नाम का लड़का कौन है? बुमराह ने एक साल के अंदर अंदर बता दिया कि तेरा बाप हूँ मैं रे। और कल बामी आर्मी ने ट्वीट किया, वेल बोल्ड बुमराह। बुमराह ने 8 ओवर पूरे भी नहीं फेंके, 3 मेडन डाले और उसमें भी 6 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद शमी ने भी अपने जोड़ीदार का साथ 3 विकेट लेकर दिया और इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों से ज्यादा रन तो एक्स्ट्रा ने बनाए।
इंग्लैंड वाले 25 ओवर में 110 बनाकर ऑल आउट हो गए। इंडिया के पास जीतने के लिए 111 का ही टारगेट था। हमें लगा चलो अच्छा ही हुआ कोहली को रेस्ट मिल गया, क्योंकि इंग्लैंडियों ने इतने रन भी तो नहीं बनाए थे कि हमारे कोहली भाई अपनी सेंचुरी पूरी कर पाते। लेकिन हाँ, इंग्लैंडियों ने इतने रन तो बना लिए थे कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ जाते। अगर 110 पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड को जलालत महसूस हो रही होगी तो उनके गेंदबाजों ने कहा होगा कि रुको अभी तो हमें और जलील होना है। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने पुराने ओपनिंग पार्टनर धवन के साथ मिलकर पारी की शुरुआत भी करी और एंड भी, क्योंकि इंग्लैंडियों के कान में इतना गूदा नहीं था कि वो एक भी विकेट ले पाते। मजा आया। एक सेकंड, तूने कान में गूदा बोल, जबकि गूदा तो पता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा ने मात्र 58 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 76 बना दिए। धवन ने भी अपनी इंडियन टीम में वापसी 31 नॉट आउट रन बनाकर करी। दोनों ने मिलकर मुकाबले को इतना वन साइडेड बना दिया, इतना तो 90s के लॉन्डो का करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के लिए प्यार भी नहीं। और इस मैच के बारे में मुन्ना भाई से सर्किट ने क्या बोला? भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुए हैं। जी हाँ, इंडिया ने पहला मैच 10 विकेट से जीता और मैच 10 बजे से पहले ही खत्म। अब बस आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है, क्योंकि कल इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम बोले तो लॉर्ड्स में। उस मैच में कौन लॉर्ड बन सकता है शार्दुल ठाकुर के अलावा, वो हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में। तब तक आप अपना, मैंने कहा कि काश ये हो जाए तो कितना मजा आता। और वही मैंने तो एक्चुअली मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया, मैंने कहा कि एक ही प्लेयर ने सारे रन बना दिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दो तो लगेंगे ही ना, तो वही उन्होंने दिखाया। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।